हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि कला अरम ने एक स्कॉलरशिप अनाउंस की है ग्रोइंग आर्टिस्ट के लिए जिनकी की एज 18 साल या उससे ऊपर है, जो कि फाइनेंशियली अनस्टेबल हैं, उन सभी के लिए। तो इसके बारे में ऑलरेडी जानकारी दी जा चुकी है, प्रीवियस वीडियो में बता दिया है सब कुछ क्या स्कॉलरशिप है, लेकिन फिर भी बहुत सारे डाउट्स थे सभी के कि कैसे फॉर्म फिल करना है और किन के लिए है, क्या है क्या नहीं। तो उस सभी के जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ और फॉर्म कैसे फिल करना है, पार्टिकुलरली मैं फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा कि इसका फॉर्म आप कैसे फिल करें ताकि उसमें कोई भी रिजेक्शन ना हो। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं, जो स्कॉलरशिप अनाउंस की है इसके लिए एज लिमिट है 18 साल या उससे ऊपर के जितने भी आर्टिस्ट हैं वही इसको भर सकते हैं जो कि फाइनेंशियली अनस्टेबल है। ओके, दूसरा, इसके लिए कोई भी रजिस्ट्रेशन फी नहीं है, ना ही सिलेक्शन से पहले ना ही सिलेक्शन के बाद, तो कोई इसमें रजिस्ट्रेशन फी नहीं है। इसमें कोई भी साइज की कोई लिमिट नहीं है कि क्या आर्टवर्क का साइज होना चाहिए, ना ही कोई मीडियम की लिमिट है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हमें इसका फिजिकल सबमिशन नहीं चाहिए, आपको सिर्फ ऑनलाइन ही इसे सबमिट कराना है और ये आर्टवर्क आपके पास ही रहेंगे। तो ये तो था जो बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी। अभी इसमें मैं बताता हूँ कि आपको क्या क्या मिलेगा। इसमें आपको आर्ट क्लासेस मिल सकती है एज ए स्पॉन्सरशिप, इसमें आपको आर्ट मटेरियल मिल सकता है एज ए स्पॉन्सरशिप, और कैश प्राइस भी मिल सकता है आपको एज ए स्पॉन्सरशिप। तो आपको सिर्फ 5 बेस्ट आर्टवर्क अपने सबमिट करवाने हैं इस गूगल फॉर्म में, जो कि इस वीडियो के लिंक में है। वहां पर जाकर आप क्लिक करेंगे तो एक गूगल फॉर्म खुलेगा और वही गूगल फॉर्म मैं अभी आपको फिल करके भी दिखाऊंगा, तो आप स्क्रीन पर एज ए स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैं इसे दिखा रहा हूं तो आप इसे देख पाएंगे। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा अगर आप अच्छे से इस फॉर्म को भरना चाहते हैं, अदरवाइज आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो ये देखिए पूरा वीडियो कि कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक गूगल लिंक मिलेगा, इसे आप ओपन करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। इसमें स्कॉलरशिप के बारे में बताया गया है, तो जो भी रिक्वायर्ड है उनके सामने रेड कलर का स्टार होगा। तो सबसे पहले आपको अपना नाम भरना है और उसके बाद आपको अपना जो सरनेम है वो वहां पर एंटर करना है। तो पूरा देखिएगा, मैं सब बताऊंगा आपको क्या क्या फिल करना है। यहां पर आपको अपना व्हाट्सएप नंबर, जो भी आपका नंबर होगा वो आपको फिल करना है और क्रॉस चेक कर लीजिएगा एक बार दोबारा से। उसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी और देन आपको अपनी एज वहां पर एंटर करनी है अगले कॉलम में। फिर आपको फुल पोस्टल एड्रेस अपना यहां पर फिल करना पड़ेगा। तो अभी मैं इसको ऐसे ही पास कर रहा हूं। तो उसके बाद अचीवमेंट एंड शॉर्ट ब्रीफ अबाउट यू, तो इसमें आपको क्या क्या भरना है, यहाँ पर बड़ा कंफ्यूजन है। तो आपको अपने बारे में बताना है, आप कौन हो, कहाँ से हो, और उसके बाद आप कर क्या रहे हो, इस वक्त आप क्या कर रहे हो वो आपको बताना है। उसके बाद आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है वो भी आप इसमें बता सकते हो। ओके, और उसके बाद आपकी क्या क्या अचीवमेंट है, आपने कॉम्पिटिशन्स विन किए हैं, आपने अवार्ड विन्स किए हैं, जो भी है वो सब आप इसमें लिख सकते हो। तो इसको अच्छे से आप भरिएगा, ये भी बहुत जरूरी है। उसके बाद आर्टिस्ट कैटेगरी में बड़ा कंफ्यूजन आ रहा है, तो यहाँ पर 3 ऑप्शन है आपको, हॉबी आर्टिस्ट है तो हॉबी भरिए, प्रोफेशनल है तो प्रोफेशनल, आर्ट कॉलेज स्टूडेंट है तो आर्ट कॉलेज स्टूडेंट भरिए। अगर आर्ट कॉलेज स्टूडेंट है तो आपको उसके लिए वो भी भरना पड़ेगा, नीचे आईडी भी देनी पड़ेगी अपने कॉलेज की। तो उसके बाद ये स्कॉलरशिप की कैटेगरी है, आप इनमें से कोई सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर 4th ऑप्शन है अप्लाई फॉर ऑल कैटेगरी, आप इसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हो। उसके बाद आपको प्रोफाइल फोटो पर ऐड फोटो में क्लिक करना है, तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने खुलेगा। ब्राउज पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो फाइल में जाकर आप सेलेक्ट कर सकते हो अपनी प्रोफाइल पिक। ओके, तो उसको रीनेम जरूर कर लीजिएगा, वो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है, ठीक है। अगर आपको रीनेम करना नहीं आता है तो उसको जरूर देखिए एक बार वीडियो को, जो प्रीवियस वीडियो इसी चैनल पर मैंने अपलोड किया है। जैसे ही अपलोड हो जाएगा उसके बाद नीचे अगला कॉलम आएगा, ठीक है। इसमें आपको कॉलेज की आईडी करंट ईयर की फिल करनी है अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो आर्ट कॉलेज। ओके, तो उसके बाद आप वही क्राइटेरिया रहेगा इसको एंटर करने का भी। फिर आपको 5 आर्टवर्क अपने सबमिट करवाने हैं यहाँ पर, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपका क्राइटेरिया क्या क्या होना चाहिए इसको रीनेम करने का। तो रीनेम कैसे करना है वो प्रीवियस वीडियो में आप जाकर देखिए। तो जैसे ही आप फाइल पर क्लिक करेंगे, आप एक साथ आपको 5 आर्टवर्क सेलेक्ट करने हैं जो कि आपने रीनेम किए हुए होंगे। तो जैसे
क्लिक करेंगे आप तो सिलेक्ट हो जाएंगे, ऐसे पांच आर्टवर्क आपको सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। लेकिन उनको रीनेम आपने पहले से करना है, वो प्रीवियस वीडियो में आपको दिखेगा, उसको जरूर देखिए, उसमें भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद यहाँ पर एग्री का ऑप्शन है, एग्री को क्लिक करके आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। बाद भी किसी को कोई डाउट है तो उसके लिए आप बेचक कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख सकते हैं और हम उसका रिप्लाई करेंगे बिल्कुल, और आपको स्पॉन्सरशिप के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।